का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है। मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को आज के इस भूमि पूजन के फंक्शन में शिरकत नहीं करना चाहिए था, नहीं अटेंड करना चाहिए था। और मैं हमेशा से कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, इसलिए कि प्रधानमंत्री, वजीर आजम किसी एक मखसूस या खास मजहब के वो प्रधानमंत्री नहीं है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसका कोई मजहब नहीं है। भारत इंडिया का कोई मजहब नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने बहैसियत प्रधानमंत्री आज के भूमि पूजन में शिरकत करके उन्होंने जो ओथ लिया था उन्होंने उसका वॉयलेशन किया है। उन्होंने संविधान की का जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेकुलरिज्म उसको वॉयलेट किया है। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का आज के उस फंक्शन में जाना, आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है और सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। आज का दिन जो प्रधानमंत्री बहैसियत प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए, उनके जाने की वजह से आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है, सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। बहैसियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूमि पूजन में जाकर जो उन्होंने वहां पर वो जो चांदी का पत्थर रखा, उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र की बुनियाद आज वहां पर डाली है। तो आज का दिन सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है, आज का दिन जमहूरियत की शिकस्त का दिन है और आज का दिन याद रखा जाएगा हिंदुत्व की कामयाबी के लिए। आज का दिन याद रखा जाएगा मेजॉरिटेरियनिज्म की कामयाबी के नाम से आज का दिन याद रखा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में यह कहा, अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में कहा कि देश बड़ा इमोशनल है। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असदुद्दीन ओवैसी भी बड़ा इमोशनल है। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं को एग्जिस्टेंस को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं कि 450 साल जिस जगह पर मस्जिद थी, जहां पर मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी 22 दिसंबर 1949 तक, मैं इसलिए भी इमोशनल हूं कि आप ही की पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलकर, बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया। मैं इसलिए भी इमोशनल हूं प्रधानमंत्री जी क्योंकि जिस जगह पर आपने भूमि पूजन में हिस्सा लेकर हिंदू राष्ट्र की बुनियाद का आगाज किया, उसके अतराफ, तीनों अतराफ मुसलमानों का कब्रिस्तान था, जहां पर मुसलमान बुजुर्गों की खबरें भी थी। इसलिए भी हम इमोशनल हैं। चौथी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह कहा कि जो मेरे को पीआईबी से उसकी स्पीच पूरी मिली कि ये आज का भूमि पूजन एक सिंबल ऑफ इंडिया है। प्रधानमंत्री जी, आपको आपका मजहब मुबारक, आपको गुलवालकर की आइडियोलॉजी मुबारक, मगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको यह बात समझने की जरूरत है
कि देश का सिंबल ना कोई मंदिर हो सकता है ना कोई मस्जिद हो सकती है। देश का सिंबल ना मस्जिद हो सकती है ना मंदिर हो सकती है ना कोई रिलीजियस प्लेस इस देश का सिंबल नहीं हो सकता। वो सिंबल हो सकता है किसी एक मजहब के लिए, किसी एक कल्चर के लिए, मगर वो इंडिया का सिंबल नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री ने यह कहकर कि मंदिर इस देश का एक सिंबल है, उन्होंने अपने मजहब को, अपनी आइडियोलॉजी को पूरे कंट्री के ऊपर मुसल्लत किया। प्राइम मिनिस्टर ने आज ये अपनी स्पीच में ये बात कहकर मेजोरिटेरियनिज्म को एंडोर्स